अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई, कुछ बचा तो नहीं? फूल। अरे हाँ, सुंदरी जल्दी से फूल लेके आओ। रूपा कहाँ चली गई? हाँ आ गया पंडित जी। अरे सरस्वती, ये पूजा कैसे रख लिया अचानक? जी वो कई दिनों से घर में इतने कलेश हो रहे हैं और शिव के साथ भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, आपको तो पता ही है। तो हमने घर की शांति के लिए और सबके लिए पूजा रखवाई है। हाँ ठीक है। वैसे शिव कहाँ है? शिव जल्दी आओ बेटा, पूजा शुरू होने वाली है। माँ जी, शिव अपने कमरे में। जब तक शिव आता है हम बैठ जाते हैं उसकी जगह पे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों बैठोगी पूजा में? ये पूजा शिव के लिए रखी है। क्यों, हम क्यों नहीं बैठ सकते? तुम नहीं बैठ सकती, शिव इस घर का बेटा है और इस घर का वारिस भी। और तुम तो पता नहीं कहां से आई हो। सरस्वती, बच्ची है वो, बैठ जाने दो थोड़ी देर, क्या फर्क पड़ता है? और क्या जरूरत है उसके मन में ऐसी बात डालने की? हम कोई बात मन में नहीं डाल रहे, और ऐसे कैसे पूजा में बैठ जाने दे? ना तो इसके पिताजी का कुछ पता है और ना ही गोत्र का, हम नहीं उसे बैठे जा सकते पूजा में। जानते हैं, बस बता नहीं सकते क्योंकि माई से प्रॉमिस किया है। वाह 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 सरस्वती वाह, अब तक शिव के माँ बाप का नाम पता नहीं था, तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, और आज घर का वारिस, घर का चिराग दुला दिया ना हमारी बच्ची को। चलिए पूजा शुरू करते, आइए सब बैठते। पंडित जी शुरू करिए पूजा। तू काहे गुस्सा हो रही है, काहे रो रही है तू? तुझे तो सच पता है ना, तो फिर क्यों तू रो रही है? क्योंकि उदास मत हो, जानती हो आज तुम्हारे लिए ये दिन सबसे खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज तुम ये सच बता सकती हो कि जीत ही तुम्हारे पापा है। सच्ची भाई? हाँ। देखो अभी ना एक रिपोर्ट आने वाली है, तुम वो रिपोर्ट अपने उस्ताद जी को दिखा देना और उन्हें बता देना कि वो अब से तुम्हारे उस्ताद जी नहीं, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे असली पापा। सच्ची माई? हाँ सच्ची। और दादी, हमने ना डॉक्टर को ही बोला है कि आप ही रिपोर्ट लेकर आना, ताकि बीच में कुछ गड़बड़ी ना हो। ये अच्छा किया बेटा तूने। माई आज मैं बहुत खुश हूँ। बस बेटा आती होगी। ये आखिरी रिपोर्ट। नमस्ते। ये थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। जी रिपोर्ट आ गई। आराम से आराम से आराम से, ठीक है। ये लो, इसे जाके अपने पापा को दिखा दो। ये। उस्ताद जी। कॉपी क्या है इसमें? जी
तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। सच है ये। तो यही वो सच है जिसे तुम हमसे छुपा रहे थे। हाँ पापा, और माई ने भी हमें बताने से मना किया था। शिव बेटा, गोपी को लेकर अंदर जाओ। पर पापा। बेटा प्लीज, अभी हमारी बात मान लो, प्लीज अंदर जाओ। गोपी के पापा का नाम जानकर खुशी नहीं हुई। खुश है ना कृष्ण? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दिखाई नहीं दे रही तुम्हें हमारी आंखों में खुशी? ये जान के खुश होना चाहिए ना हमें कि जो लड़की हमें बाप कहती उसका असली बाप वो सनी है। खुशी होनी चाहिए ना हमें। देखो हमारी आंखों में खुशी दिख रही है ना तुम्हें? सनी। सनी? सनी? क्या हुआ? पैरों तले से जमीन खिसक गई तुम्हारे? हमारे पैरों तले से भी अभी जमीन खिसक गई थी पता है? भाई सनी है ना, तुम्हारी दोस्त संध्या का भाई, तुम्हारा पड़ोसी। अरे जब वो गोपी का बाप है तो तुम हमारे साथ यहाँ क्या कर रही हो कृष्णा? जाओ ना उसके पास, तो हमारे साथ रह के क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुमने हमसे हमारे बेटे शिव को दूर किया था ना कृष्णा? एक मां से उसके बच्चे को छीन लिया। राजसी जख्मी और घायल मां ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर साहब, हम बहुत भरोसे से आए हैं आपके पास। ये है ना, ये जीत डीएनए सैंपल है और ये गोपी का। आपको इसे मिलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जीत ही गोपी के असली पिता है। अब बस जल्द से जल्द कल सुबह तक ये रिपोर्ट लेकर हमारे पास आ जाइएगा, हमारे घर। ये लीजिए। हमारा जीत गोपी का पिता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारा जीत कृष्णा के बच्चे का बाप है। अगर ये बात जीत को पता लग गई तो एक बार फिर से हमसे हमारा सब कुछ छिन जाएगा। एक बार फिर से हमसे हमारा प्यार दूर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इस बार नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना होगा जी। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। अब चलते हैं हम। जी जी।
सुबह हमारा एक बहुत जरूरी काम करना है मनोहर। और हाँ, कुछ भी हो जाए वो रिपोर्ट जीत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हो जाएगा काम। सर ये रिपोर्ट। ये कृष्णा जी की रिपोर्ट ही है ना? जी सर। ठीक है तुम जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप आइए, ये कैसे आना हुआ? बैठिए। असल में क्या है, पिछली 15 तारीख को सैजनवा चौक पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में एक आदमी की जान गई थी। क्या नाम था उसका? विनय कुमार। उसकी फाइल देखनी है हमें, जरा दिखाएंगे? कुछ जांच पड़ताल करनी है। अच्छा 15 तारीख ना। तुम्हें ना कोई गलत फहमी, इसमें गलत लिखा हुआ है, ये गलत फहमी हुई है सब। गलत फहमी हुई नहीं है कृष्ण, आज तो गलत फहमी दूर हुई है हमारे। हमारे वापस आने से इतने खुश थे हम, पता नहीं क्या क्या सोच बैठे थे। बता, हमें वापस आना, अपनी किस्मत पे भरोसा होने लगा। मान बैठे थे कि हमारे रिश्ते में ना अभी कोई उम्मीद बाकी है, पर आज तुमने हमारी वो गलत फहमी भी दूर कर दी। कैसी बातें कर रहा है तू जीत? वो कहना क्या चाह रही है सुन तो ले एक बार। अब कहने सुनने को कुछ रह ही नहीं गया ना अम्मा जी। नहीं जी, जो हम कह रहे हैं ना वही सच है। अच्छा चलो मान लेते हैं, तुम जो कह रही हो वो सच है। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट झूठ है, तो तुम बताओ हमें सच क्या है? बताओ हमें सच क्या है कृष्णा? अरे तुम क्या बताओगे, हम तुम्हें बताते हैं सच क्या है। अगर आज नहीं बता पाए ना तो हमारे अंदर तो ज्वालामुखी धधक रहे ना, वो हमें ही जला के राख कर देगा। तो सच ये है कृष्णा कि तुम है ना गौरी से भी गलत हो। भले ही उसने हमारा बच्चा चुराया हो, लेकिन उसके लिए उसका प्यार सच्चा था। 6 साल से वो हमारी पत्नी है, लेकिन हमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी उसने। और तुमने क्या किया, मौका मिलते ही अपनी जिंदगी में बढ़ गई किसी दूसरे आदमी के साथ, धोखा दिया तुमने हमें। तुम हमें धोखेबाज कह रहे हो? हमें धोखेबाज? हाँ तुम ही कह रहे हो कृष्णा, तुम धोखेबाज हो, झूठ बोला तुमने हमसे। पहले मरने का झूठा नाटक किया, फिर इसी शहर में छिपे रहने का नाटक किया, और जब आज आई हो तो कुछ और ही बन के आई हो तुम। और तुम किस बात का हमें? आज जब हमारे सामने तुम्हारा सच साबित हो रहा है तो तुम उसे छुपाने के लिए एक और झूठ बोल रही हो, किसी और की बच्ची को। बस! अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से 9 मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। बस अब एक शब्द और नहीं। क्यों, क्यों ना कहें एक भी शब्द और? जब तुम्हें करने में शर्म नहीं आई तो हमें बोलने में क्यों आए? खुद पर पहले पिछले 6 साल से किस पछतावे की आग में झुलस रहे थे, जबकि गलत तुम्हारे साथ ही हमारे साथ हुआ है।
कि आज तक कभी तुम पर यकीन नहीं किया, पर आज जब सबसे लड़के पहली बार तुम पर यकीन किया तो गलत साबित कर दिया तुमने, तो फिर हमने जो किया सही था। तुम तो खुद अपने मन की आवाज नहीं पहचान पा रहे हो, ना ही उसे सुन पा रहे हो, फिर हमारी बात हमारे शब्दों पर यकीन कैसे करोगे? सही कहते हैं लोग, कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उनके खुल जाने पर जो थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहती वो भी टूट जाती। जब तक तकलीफ हम सह रहे थे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज बात हम अपने बच्चे की है और हम अपने बच्चे को ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं रखना चाहते जहां उसका पिता उसकी माँ पे भरोसा ही नहीं करता। कि हम नहीं चाहते हमारा बच्चा वो सब वो तकलीफें वो दर्द झेले जो जो हमने झेले। जीत तो कभी गौरी के साथ रहना ही नहीं चाहता था कृष्णा, वो तो हम लोगों ने उसे मजबूर किया, इसलिए उसे हम लोगों की बात माननी पड़ी। लेकिन आज तक बस वो रिश्ता निभा रहा है लेकिन दिल से नहीं। लेकिन तुम जो कर इस घर में लौटकर आई हो ना, तुमने पूरे घर को अपवित्र कर दिया है। और जो कुछ भी तुम ये कह रही हो, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो इसे तुम्हें साबित करना होगा, और ये साबित करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। माँ देखिए आप गलत बोल रही है, ये गलत है। जी आज तू कुछ नहीं बोलेगा। माँ देखो जो गलत है वो गलत है। एकदम चुप, तुझे हमारी कसम कुछ नहीं बोलोगे तुम। Thank you.
ऊपर वाले से प्रार्थना करते कि आज तुम इस आग में जलकर भस्म हो जाओ कृष्णा।